हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन सीरीज के सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में क्यों पेशाब के इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से हेल्दी हैबिट्स अपना के हम यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट यानी कि रोक सकते हैं। मैं डॉक्टर रुजुदा राजगुरु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, जहाँ मैं कमिटेड हूँ महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फिर सबसे पहली चीज़ जो आपको ख्याल में रखनी चाहिए वो ये है कि जब भी आपको पेशाब का सेंसेशन आता है आपको पेशाब के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि मैं पहले ये काम निपट लूँ फिर उसके बाद पेशाब के लिए जाऊँगी। नहीं, आपको रेगुलरली 2 से 3 घंटों के बीच में पेशाब के लिए जाना चाहिए, एक चीज़। फिर सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप पेशाब के लिए जाते हो तो आपको पूरी पेशाब करके आनी है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर पूरा एम्प्टी करके ही टॉयलेट सीट से उठना है। अगर ये दोनों चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो जो कुछ भी बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक में है वो फ्रीक्वेंटली फ्लश आउट होते रहेंगे आपके यूरिन में से, और बैक्टीरिया वहाँ पे मल्टीप्लाई होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। फिर थर्ड थिंग जो आपको ख्याल में रखनी है वो दिन भर में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी आपको पीना ही पीना है, क्योंकि अगर सही मात्रा में आप पानी पीते हो तो आपकी यूरिन डाइल्यूट रहेगी, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, ज़्यादा पानी पीने की वजह से आपको पेशाब के लिए ज़्यादा बार जाना पड़ेगा, मतलब जो कुछ भी बैक्टीरिया है वो फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपके यूरिन ब्लैडर में से फ्लश आउट होकर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर अगली चीज़ जो आपको ख्याल में रखनी है वो ये है कि पर्सनल हाइजीन आपको मेंटेन करना है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि जब भी आप टॉयलेट या फिर मोशन पास करते हो तो आपको जेनाइटल एरिया जो है वो फ्रंट टू बैक क्लीन करना है, ना कि बैक टू फ्रंट, क्योंकि अगर जेनाइटल एरिया बैक टू फ्रंट क्लीन करते हो तो जो कुछ भी बैक्टीरिया आपके एनल ओपनिंग के पास है वो यूरेथ्रा के पास आके डिपॉजिट होके आसानी से यूरिनरी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। फिर नहाते वक्त जेनाइटल एरिया को आपको माइल्ड सोप से वॉश करना चाहिए, और दिन भर में जब भी आप पेशाब के लिए जाते हो तो सिर्फ नॉर्मल वाटर से आप जेनाइटल एरिया को क्लीन कर सकते हो। फिर तीसरी चीज़, जब भी आपकी महावारी आती है आपको जेनाइटल एरिया को ड्राई रखना चाहिए, यानी कि सैनिटरी पैड्स फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करते रहना चाहिए। फिर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ख्याल में रखनी है वो ये है कि बहुत सी महिलाएँ फेमिनाइन हाइजीन स्प्रे या फिर वजाइनल वॉश या सेंटेड पाउडर, सेंटेड सोप या सेंटेड बाथ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सो अगर ये आप यूज़ करते हो तो प्लीज़ आज से ही इसे यूज़ करना स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपके वजाइनल एरिया को या यूरेथ्रल एरिया को इरिटेट करके यूरिनरी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके डॉक्टर्स आपका वजाइनल वॉश या ड्यूडरेंट स्प्रे एडवाइस कर रहे हैं तो उसे आपको सिर्फ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है, ना कि 365 डेज। अगर आप 365 डेज ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो आपका वजाइनल पीएच मेंटेन नहीं रहेगा, यानी कि जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो कम हो जाएंगे और हार्मफुल बैक्टीरियाज वहाँ पे बढ़ के यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो उसके प्री एंड पोस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको पेशाब के लिए जाना चाहिए, वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग जो है वो है, एक गिलास पानी आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद पीना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आप फॉलो करते हो तो जो कुछ भी वजाइनल इंटरकोर्स के वक्त वजाइना में से बैक्टीरिया यूरिनल ब्लैडर में एंट्री हुए है वो तुरंत जब आप पेशाब करोगे तो वो बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाएंगे और आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। फिर जो महिलाएं दिन नहीं रहने के लिए या फिर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर वजाइनल डायफ्राम, स्पर्मिसाइडल जेली या फिर अनल्यूब्रिकेटेड कॉन्डम्स यूज़ करते हैं तो यूरेथ्रा के अगेंस्ट फ्रिक्शन कॉज होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इरिटेट होके यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हो सकते हैं। सो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स आपको यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि यूरिनरी इन्फेक्शन रेट कम रहे। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आपको मेल कॉन्डम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन है, आपको ये यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ये यूज़ नहीं करते हो तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर पेशाब का इन्फेक्शन तो साइड में रह जाएगा, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी फेस करना पड़ सकता है। बल्कि मेरा ये कहना है कि अगर आपको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी के ल्यूब्रिकेटेड कॉन्डम्स यूज़ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट थिंग, जेनाइटल एरिया ड्राई रखने के लिए हमें कॉटन इनरवेयर या अंडरवेयर यूज़ करना चाहिए और लूज़ फिटिंग कपड़े पहनना चाहिए,
क्योंकि अगर सिंथेटिक कपड़े या फिर टाइट जीन्स हम पहनते हैं तो मॉइस्चर आसानी से ट्रैप हो जाता है और ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए और यूरिनरी इन्फेक्शन बढ़ाने के लिए। फिर अगर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो विद डॉक्टर्स एडवाइस आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेना चाहिए ताकि हेल्दी बैक्टीरिया की आपके बॉडी में ग्रोथ होगी और हार्मफुल बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद में वो सब चीज़ें हमें खाने में अवॉइड करनी चाहिए जो यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, जैसे कि अल्कोहल, कैफीनेटेड ड्रिंक्स यानी कि जिसमें कैफीन ज़्यादा है, साइट्रस जूसेस या फिर स्पाइसी फूड। अगर ये सब हेल्दी हैबिट्स आप फॉलो करते हो तो नो डाउट यूरिनरी इन्फेक्शन से आप काफ़ी हद तक बच सकते हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही में बेल बटन दबाना न भूले ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।